डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की ओर से डॉक्टर अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन वंश बहादुर ने किया, जबकि अध्यक्षता रूप सिंह भारती ने की। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी प्रत्येक 2 वर्षों बाद आम चुनाव करती है। इस वर्ष भी आम चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न हुई, जिसमें प्रांतीय, जिला, नगर कमेटियों का चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया। चुनाव अधिकारी बीएस बोध ने सभी निर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलवाई, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में रूप सिंह भारती, महामंत्री राजकुमार गौतम, प्रदेश कोषाध्यक्ष वंश बहादुर, उपमंत्री हरजीत सिंह आदि पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद गिरीश चंद्र मौजूद रहे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में महावीर सिंह, चौधरी सत्येंद्र सिंह रहे। शपथ समारोह में मुख्य रूप से वीर सिंह, रूप सिंह भारती, अजीत सिंह, त्रिलोक सिंह दिवाकर, मनमोहन सिंह, अमर सिंह, ब्रजनंदन, डॉक्टर कैलाश अनिल कुमार, डॉक्टर एस सी सागर, राजीव कुमार, ग्राम प्रधान सचिन चंद्र, पूनम, अंकुर, कविता, हरिओम सागर, एमपी मौर्या, मुन्ना लाल आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए, अखिल भारतीय डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी, जो कि एक मुरादाबाद की बहुत ही प्राचीन संस्था है, इस संस्था का जो संस्थापक महोदय हैं वो इंजीनियर रामचंद्र सागर जी हैं। उन्होंने 1939 में इस संस्था का गठन किया था और तब से ये संस्था बदस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। और इस संस्था के प्रति वर्ष 2 वर्ष के बाद इस संस्था के आम चुनाव होते हैं। इस बार भी आम चुनाव हुए हैं, हालांकि इससे पिछले वाले आम चुनाव में भी प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझ पर थी और इस बार भी समाज के संभ्रांत लोगों ने, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने फिर से चुनाव किया और मुझे दोबारा से डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी का प्रांतीय अध्यक्ष दोबारा से चुना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के और जनपद मुरादाबाद के प्रबुद्ध जन और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने